सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एमके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आइए साथियों, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला इंदौर द्वारा स्थानांतरित शिक्षकों को रिक्त पद पर उपस्थित कराने हेतु एक पत्र जारी किया गया है, इसका हम अवलोकन करते हैं। यह आदेश आज जारी हुआ है 21/9/2021 की स्थिति में। यह आदेश प्रति समस्त संकुल प्रचार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिला इंदौर को लिखा गया है। विषय है स्थानांतरित शिक्षकों को रिक्त पद पर उपस्थिति कराने हेतु काउंसलिंग विषयक। आइए इस पत्र के मुख्य भाग को हम पढ़ते हैं। उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भी पत्र में प्रदत्त निर्देश के परिपालन में स्थानांतरित शिक्षकों की रिक्त पदों वाली इस संस्थाओं में काउंसलिंग कर पदस्थापना किया जाना है। स्थानांतरण नीति 2021-22 के अनुक्रम में आपके संकुल के अंतर्गत दिनांक 31/8/2021 तक राज्य स्तर जिला स्तर से स्थानांतरित होकर आए शिक्षक जिनके लिए रिक्त पद उपलब्ध नहीं हैं को काउंसलिंग में उपस्थित होने हेतु लिखित में सूचित करें। शिक्षकों को यह भी सूचित करें कि वरीयता निर्धारण हेतु गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, विधवा, तलाकशुदा अथवा परित्यक्ता आदि से संबंधित अभिलेख की फोटो प्रति भी साथ में लावें। काउंसलिंग दिनांक 29/9/2021 को शासकीय महाराजा शिवजीराव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदौर में प्रातः 11 बजे आयोजित की जाएगी। तो ये थी साथियों शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण न्यूज़। साथियों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।